मुंबई इंडियंस तीन चीजों को निभाने में सबसे आगे है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, क्योंकि इसी बातों को कल फिर उन्होंने निभाया और आईपीएल में अपने पहले मैच हारने के परंपरा को खत्म होने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी MI और RCB के बीच एक मैच की। 1430 दिनों बाद कल जब विराट कोहली बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरे तो सभी को कोहली से एक आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी। वही मुंबई के भी सभी फैंस को उम्मीद थी कि इस बार मुंबई आईपीएल में पहले मैच हारने के परंपरा को खत्म करेगी, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो कुछ और ही हुआ। क्योंकि मुंबई जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही, इतनी खराब रही कि जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मात्र 20 रनों तक ही मुंबई के तीन दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा, ईशान किशन और कैमरन ग्रीन पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। और यहाँ से अब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मिलकर पारी को संभालते हैं और यहाँ से सूर्या से सबको एक अच्छे पारी की उम्मीद होती है, लेकिन सूर्या भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं बल्कि 15 रन बनाकर ब्रेसवेल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वही भला हो तिलक वर्मा का जो अकेले ही मुंबई के लिए अंत तक लड़ते हैं और 46 गेंदों में शानदार 84 रन जड़कर मुंबई के स्कोर को 7 विकेट के नुकसान में 171 रनों तक पहुंचा देते हैं। जो मुंबई पहले पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी, वही मुंबई अब RCB के सामने 172 रनों का लक्ष्य रख देती है। अब RCB मुंबई के लक्ष्य के जवाब में उतरती है और यहाँ से अब सभी विराट कोहली के बल्लेबाजी को देखने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि 1430 दिनों बाद विराट कोहली की चिन्नास्वामी स्टेडियम में वापसी हो रही थी और सभी चाह रहे थे कि विराट कोहली एक धमाकेदार शुरुआत करे। और कल लग रहा था कि भगवान भी RCB के सभी फैंस के बातों को मान गए थे, क्योंकि पहले विकेट के लिए फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली 148 रनों की साझेदारी करते हैं। जहां फाफ डु प्लेसिस 43 गेंदों में 73 रनों की पारी खेलते हैं, वहीं विराट कोहली अंत तक रहकर 49 गेंदों में 82 रन जड़कर 16.2 ओवर में पूरे मैच को ही फिनिश कर देते हैं। वैसे क्या दोस्तों, इस बार RCB ट्रॉफी जीत पाएगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।